बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आलू कढ़ाही की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले कढ़ाही में ऑयल डाल लेंगे, तकरीबन 2 चम्मच। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें आलू डाल देंगे। आलूओं को बड़े बड़े साइज़ में काटना है। अब इसमें आलू डाल के इनको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। आलूओं को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल में 1 चम्मच लहसुन पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसकी पेस्ट तैयार कर ली थी। अब इसमें मसाले शामिल कर देंगे। 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे और इनको भी मसाले में अच्छे से भून लेंगे। आलूओं को भी मसाले में अच्छे से भून लिया है। अब 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। अब इसमें 1/2 कटोरी फेंटा हुआ दही डाल देंगे। अच्छे से मसाले को भून लेंगे। दही के साथ भी अच्छे से मसाले को भून लिया है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे और इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए ताकि आलू अच्छे से नरम हो जाएं। दस मिनट हो गए हैं। आलू बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। दो कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। तैयार है आलू कढ़ाही। चलिए डिश आउट करते हैं।